राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर कथा है, कथा का आनंद लीजिए। सुनो, एक कथा सुनाते हैं हम आपको। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी की एक पत्नी थी पंडितानी जी, दोनों भगवान शंकर के पुजारी थे, दोनों भगवान शिव की खूब आराधना करते थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं थे। पूजा करते थे, श्रद्धा थी, परंतु वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। पंडित जी और पंडितानी, एक दिन पंडितानी अपने पंडित जी से बोली, अपने पति से बोली, स्वामी जी, वो रोने लगी। तो पंडित जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा, पंडित जी ने पूछा, कोई कमी है क्या? धन की कमी है? हम वो गरीब भी थे। वो बोले, अच्छा, हम तुम्हें कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, क्या इसलिए रो रही हो? हम तुम्हें अच्छा अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं, भरपेट, क्या इसलिए रो रही हो? पत्नी ने कहा, स्वामी जी, मुझे खाने की कोई चाहत नहीं है, पहनने की भी कोई चाहत नहीं है, तो रो क्यों रही हो? पंडितानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ, हमें एक पुत्र की कामना है, आप पुत्र दीजिए हमें। उनके पति बोले, अरे भाग्यवान, मैंने आज तक भगवान से कुछ मांगा नहीं है, मैं पूजा रोज करता हूं। ऐसे पंडित जी थे कि वो भगवान की पूजा बराबर करते थे, पर भगवान से कभी उन्होंने कुछ कामना नहीं की कि प्रभु ये चाहिए, निष्काम, कोई कामना नहीं। और वो भगवान शिव के बड़े उपासक थे, कभी कुछ मांगा नहीं। पत्नी रोने लगी, तो पत्नी के रोने पर पंडित जी पिघल गए। पत्नी के आंसुओं को देखकर पंडित जी को लगा, ये मेरी पत्नी है, कितना त्याग इसने मेरे लिए किया है, और मैं इसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इसकी इच्छा है कि बेटा हो, और बेटा तो आज वो पहली बार शंकर जी के मंदिर गए, जहां रोज पूजा करते थे, आज पहली बार उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे भोलेनाथ, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, हे भोले भंडारी, आपने तो सबकी झोलियां भरी हैं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मेरी पत्नी के आंसू देखकर आज मैं रह ना पाया, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे, भगवान से कभी कुछ मांगूंगा नहीं, पर पत्नी के आंसू के सामने, पत्नी के आंसुओं के सैलाब में मेरी प्रतिज्ञा कहीं बह गई। हे भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र दीजिए। बस इतना कह के वो पंडित जी अपने घर आ गए। जब घर आए, रात हुई, खाए पिए, सो गए, तो रात्रि के स्वप्न में शंकर जी आए, और आकर के पंडित जी से बोले, अरे पंडित जी, आप मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, मैं जानता हूं, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा, आपने कभी धन मांगा नहीं, दौलत मांगी नहीं, कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार आपने मांगा पुत्र, लेकिन क्या बताऊं पंडित जी, आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, और ये आपका पहला जन्म है, अभी 6 जन्म तक आपके कोई संतान का योग नहीं है, अब जब नहीं है तो मैं कैसे दूं? शंकर जी ये सपना में कह के आ गए। सवेरे पंडित जी उठे, स्नान किया, चल पड़े मंदिर की ओर। शंकर जी के पास जाकर पंडित जी ने कहा, वाह भोले भंडारी, मुझे पता है, पंडित जी ने कहा, आपकी कृपा से मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बेटा नहीं है। अरे होना होता, भाग्य में होता तो अभी तक हो नहीं जाता, नहीं हो रहा है तो मुझे तो पता है कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। यदि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो आप किस लिए बैठे हैं?
जो मेरे भाग्य में है यदि वही मुझे मिलना है तो फिर मुझे और मुझ जैसे लोगों को आप जैसे भगवानों की जरूरत क्या है। अरे भाग्य का ही मिलना है तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपका उपासक हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं, तो सुनो भोलेनाथ जी, जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा ही, पर यदि मैं आपकी शरण में हूं तो आपका धर्म है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप मुझे देंगे, इसलिए तो आप भगवान हैं। अरे भाग्य का ही देंगे तो इसमें आपकी भगवत्ता क्या, वो तो मिलना ही है मुझे, मैं आपकी पूजा करूं ना करूं वो तो मिलेगा, मैं आपका दास हूं, मैं आपका हूं, तो आपका फर्ज है, आपका धर्म है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप मुझे, यदि मेरी इच्छा है, एक तो मैंने कभी इच्छा नहीं की, मैंने कभी मांगा नहीं, पर मांगा है तो भले भाग्य में ना हो, 7 जन्म क्या 70 जन्म तक ना हो, पर मांगा है तो आपका देना धर्म है। तब भोलेनाथ प्रकट हो गए, वाह तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं है, विधाता ने लिखा नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो तो अब मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा। तब पंडित जी के यहां स्वयं शंकराचार्य जी प्रकट हुए, जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य कहते हैं, जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, जिन्हें जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भक्त यद भगवान की शरण में है और यदि आपने निष्काम भाव से भक्ति की है तो भगवान आपको वो भी दे सकते हैं जो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में दूर दूर तक नहीं है। लोग कहते हैं कि भाग्य का ही मिलना है तो भक्ति क्यों करें, अरे भैया भगवान वो देते हैं जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं होता, ये देने की ताकत ईश्वर की, इसलिए भगवान वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता। भाग्य का तो देखो कुत्तों को भी मिल जाता है, कुत्ते के भाग्य में जितना मिलना है वो उसे मिलता है, रोटी उसके भाग्य की उसे मिलके रहती है, बिल्ली के भाग्य का दूध वो पी ही जाती है, जिसके भाग्य में जितना है वो उसे, लेकिन भगवान की कृपा, इसलिए जो भगवान की शरण में है। अब बताइए क्या मीराबाई के भाग्य में ये लिखा था कि उसे भगवान का दर्शन होगा, नहीं, मीराबाई की कुंडली में ये थोड़ी लिखा था कि मीराबाई को भगवान का दर्शन होगा, परंतु जब वो भगवान से प्रेम की तो उसके प्रेम के कारण जो उसके भाग्य में नहीं था भगवान की कृपा ने वो भी दे दिया। और भगवान की कृपा क्या है, भगवान अपना दर्शन देते हैं, ये हमारे भाग्य, हमारी भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति तो सदा भगवत कृपा से होती है, बिना कृपा के, भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं, हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी भक्ति, हमारे ज्ञान के बल पर भगवान का मिलना संभव नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में रहा करो मेरी माँ, भगवान जो दे सकते हैं ना, तुम्हारे भाग्य तुम्हारे कर्मों में इतना बल नहीं है कि तुम्हें वो दे सकें, जो भगवान की कृपा तो भगवान की कृपा है, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात ना पूछो, भगवान की कृपा तो अद्भुत, क्या कहें हम। क्या हमारी, अच्छा ये बताओ आप लोग आज यहां वृंदावन आए हैं, क्या ये आपके भाग्य में लिखा था, सच्ची बताऊं तो आप अपने भाग्य के लिखे होने से वृंदावन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा के कारण वृंदावन आए। भाग्य में इतना बल कहां कि वो दर्शन कराए भगवान का,
भाग्य दर्शन नहीं करा सकता भगवान का, कृपा दर्शन करा सकती है। गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बारी मथे घृत हो या बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपैल। जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि पैसा चार चीजें होती हैं, धर्म अर्थ काम और चौथा बोलिए आप क्या, चार चीजें, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों में हमें कौन सी चीज करने से मिलती है और कौन सी कृपा से मिलती है, तो सुनो, धर्म जो है धर्म का पालन करने से होगा। धर्म का पालन कैसे होगा बोलो मेरी माँ? करने से, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। धर्म यदि आप, अब देखना कितना सिस्टमेटिक है हमारा सनातन धर्म। पहले बात आती है धर्म की, जो आदमी धर्म के रास्ते पर चलेगा, उसके बाद आया अर्थ, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, अर्थ मतलब पैसा तो उसी के पास होगा जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो धर्म अर्थ। तीसरे नंबर पर है काम, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसे धन भी मिलेगा और उसकी कामनाएं भी पूरी होंगी, काम मतलब आपकी समस्त कामनाएं। और चौथा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस मोक्ष को जरा समझना पड़ेगा, ये मोक्ष जो है भाग्य, यदि मेरे भाग्य में पैसा है, बताइए पैसा मेहनत करने से आता है कि भाग्य के बल पर भी मिल जाता है? बोलो जल्दी से। दोनों बातें सत्य हैं। कई बार पैसा मेहनत करने से मिल जाता है और कई लोगों को जमीन खोद रहे थे किसी काम के लिए, और जमीन के अंदर सोने का हड़ा मिल गया, सोने का घड़ा मिल गया, उसके अंदर सोने के ढेर सिक्के। अभी मैंने दो दिन पुरानी न्यूज पढ़ी, सुनी कि कहीं मध्य प्रदेश की घटना, वहां पुराना घर गिर रहा था तो वहां ढेर सारे सोना घर से निकला है? कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा मेहनत से मिलता है, पर भाग्य का कहते हैं तुम्हारे भाग्य में जो है वो कहीं जा नहीं सकता, कहीं भागेगा नहीं, और जो भाग्य का नहीं है वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो भाग्य का धन तो देखो कहीं भी हो तुम्हारे पास चल के आएगा। कर्म करना अच्छा है पर भाग्य भी धन देता है, ये सत्य है। ये भाग्य क्या है? तुम्हारे किसी जन्म का किया हुआ अच्छा कर्म तुम्हारा भाग्य है। तो ये बताओ, भाग्य के कारण धन तो मिल सकता है, तुम्हारे भाग्य के कारण तुम्हारी सुंदर पत्नी मिल सकती है, तुम्हारे भाग्य के कारण तुम्हें सुंदर पुत्र मिल सकता है, पर भाग्य के कारण तुम्हें अनायास भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो बिना भक्ति के मिलते ही नहीं है। पैसा पत्नी पुत्र भाग्य से मिल जाएगा, पर भगवान भाग्य से नहीं, भक्ति और भगवत कृपा से प्राप्त होंगे। इसलिए कृपा चाहिए। क्या चाहिए? बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपैल। बिना भक्ति के भव पार होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए ऐ मूढ़, यहां वहां से मन हटा, पत्नी पुत्र परिवार तो भाग्य से मिल जाता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए। पत्नी पुत्र पैसा तो पापी के घर भी होता है, पर भगवान का दर्शन किसी भक्त को ही हो सकता है, बिना कृपा के हो नहीं सकता। इसलिए आप यदि वृंदावन आए हैं तो भाग्य के बलबूते नहीं, भगवान की कृपा ने आपको बुला लिया, यही प्रत्यक्ष चमत्कार है, कृपा है। आप कहते हैं भगवान कहाँ है, तो ईश्वर ने आपको बुलाया है, यहाँ कथा सुनवा रहे हैं, ये ईश्वर की प्रत्यक्ष आही टुकी कृपा है।
इससे बड़ी कृपा क्या होगी। इस कलयुग में जहां आदमी आज भी शराबी मांसाहारी चरित्र से गिर रहा है, इस आज के कलयुग में आप 3.5 घंटे कथा सुन रहे हैं। आप ही क्यों सुन रहे हैं और लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप पर परमात्मा की कृपा हो चुकी है, इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी छतरी के नीचे बुला लिया। और लोगों पर कृपा नहीं हुई इसलिए वो अभी दर दर की ठोकर और खाएंगे। जब खा लेंगे उनके पाप नष्ट होंगे, तब भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे, तब वो आएंगे। सबको कहते हैं ना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। ये तो बुलावा है, कोई माने ना माने, पर यहां बिना राधा रानी की कृपा के, बिना यमुना महारानी की कृपा के, बिना बिहारी जी की कृपा के इस धाम में प्रवेश नहीं है किसी का। ये तो प्रत्यक्ष भगवत धाम, ये जो वृंदावन है, ये पूरा जो वृंदावन है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बैकुंठ से आए तो बैकुंठ का ही एक टुकड़ा, धरती का वहां का टुकड़ा यहां लाके स्थापित किए। ये वृंदावन कोई यहां पृथ्वी लोक थोड़ी है, यही बैकुंठ लोक है। जब भगवान आए तो पूरा ब्रजमंडल लेकर के आए थे वहां से। इसका नाम ब्रजमंडल क्यों पड़ा? क्योंकि बैकुंठ में एक नदी है, उस नदी का नाम है बिरजा। क्या नाम है उस नदी का? बिरजा नदी। बैकुंठ में एक नदी है जिस नदी का नाम है बिरजा नदी, वो सिर्फ बैकुंठ में रहती है। जब बैकुंठ से आने लगे तो भगवान अक्सर बिरजा नदी के किनारे, वहां बैकुंठ में भगवान वहीं ज्यादा समय गुजारते हैं, बिरजा नदी के किनारे। तो भगवान जाने लगे तो राधा रानी ने कहा कि वहां कैसे रहेंगे, सब कैसी व्यवस्थाएं होंगी? तो भगवान ने कहा मैं बिरजा का ही एक हिस्सा स्थापित करता हूं। तो बिरजा का जो किनारा, बैकुंठ का जो हिस्सा था, पृथ्वी का एक टुकड़ा भगवान ने वहां से उठाया और यहां स्थापित किया इस ब्रजमंडल में। तो यहां जैसे ही आए तो उस बैकुंठ की पृथ्वी का भार ये पृथ्वी सहन ना कर पाई, ये पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तब भगवान श्रीमन्नारायण के सुदर्शन चक्र ने आकर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो भगवान ने अपने लोक से जो भूमि यहां भेजी, उसके बीच में सुदर्शन भगवान आए और सुदर्शन ने इसका भार अपने माथे लिया। इसलिए ये जो वृंदावन है, कहते हैं जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, जो वृंदावन की परिक्रमा कर लेता है, जो गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेता है, वो कभी संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। ये चक्कर से मुक्त करने वाली परिक्रमाएं हैं, 84 के चक्कर से मुक्त कर देती, क्योंकि ये चक्र पर स्थापित है ये पूरा ब्रजमंडल। इसलिए कांटे को कांटा ही निकालेगा तो चक्र पर स्थापित नगरी संसार चक्र से मुक्त कर देती। इसलिए ये वृंदावन कोई सामान्य नहीं है। जब भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया तो प्रयागराज के पास सब लोग हाजिरी देने गए। अच्छा, ये महिमा जो हम बता रहे हैं, ये महिमा बिरजा नदी जो है, बिरजा नदी जो यमुना जी हैं, ये बिरजा नदी ही है, बिरजा का ही एक अंश यमुना बन के आई। जैसी कथा वृंदावन की है सैम ऐसी ही कथा अयोध्या की भी है। जो अयोध्या की भी पावन धरती है वो भी सुदर्शन पर टिकी हुई है, वो भी भगवान अपने बैकुंठ से लेके आए, क्योंकि वो रामलीला वहां करनी थी, राम कथा, राम जी के चरित्र। तो अयोध्या की धरती भी सामान्य धरती नहीं और वृंदावन की धरा भी सामान्य धरा नहीं, ये दिव्य धरतियां हैं। यहाँ ठाकुर जी ने माटी खाई, यहाँ ठाकुर जी नंगे पांव चले, यहाँ भगवान घुटनों के बल चले हैं। आज भी अवशेष अयोध्या में अयोध्या के हैं, वृंदावन में वृंदावन के हैं। ये दोनों पुरियां श्रेष्ठ हैं। तो प्रिय भक्तों, जब प्रयागराज को राजा तीर्थों का बनाया तो सभी तीर्थ राज पहुंचे, पर अयोध्या और वृंदावन नहीं गए। तो वहां प्रयागराज जी नाराज हो गए, अरे भगवान से शिकायत कर दी, प्रभु आपने तो हमें तीर्थों का राजा बनाया, सब लोग आए हमें दंडवत की, ये दो लोग तो आए नहीं, कौन कौन नहीं आया? बोले वृंदावन नहीं आया और अयोध्या नहीं आई। तो भगवान ने कहा, सुनो प्रयाग जी, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया, ये वृंदावन और अयोध्या हमारा घर है, आप तीर्थों के राजा हैं, हमारे घर के थोड़ी राजा है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये तो भगवान का घर है। अयोध्या कोई तीर्थ नहीं है, अयोध्या तो भगवान का घर है। सरयू जी की उत्पत्ति भगवान श्रीमन्नारायण की आंखों के जल से हुई है।
सरयू जी कौन है? सरयू जी को किसने पृथ्वी पर लाए? श्री वशिष्ठ जी लाए, इसलिए सरयू जी का नाम है वासिष्ठी भी है। सरयू जी को किन्ने प्रकट की है? वशिष्ठ जी ने। कहां से आई है सरयू जी? भगवान श्रीमन नारायण का इतना स्मरण किया वशिष्ठ जी ने, कहा प्रभु हमें यहाँ स्नान ध्यान करने की बड़ी तकलीफ है, कोई नदी नहीं है, कृपा करो। तब भगवान वशिष्ठ जी की तपस्या पर, अपने भक्तों के प्रेम पर विह्वल हो गए और उनकी प्रार्थना पर उनकी आंखों से आंसू गिरे, और जब अश्रु गिरे तो आंसुओं को भगवान ने, वही आंसू नदी बनकर प्रकट हो गए। वेद पुराणों में आज भी ये चर्चा जस की तस लिखी है, जैसा हम कह रहे हैं। और भगवान के नेत्रों से जो जल गिरा, आज उन्हीं को हम सरयू नदी कहते हैं, सरयू माता कहते हैं, जो अयोध्या में सरयू जी हैं। अयोध्या को तीन तरफ से घेर लिया सरयू जी ने। ऐसे यमुना जी विरजा नदी है, जो वैकुंठ की नदी है विरजा, वो यमुना जी ये वृंदावन में रह हैं, बह रही हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये भगवान का नित्य धाम है, ये वृंदावन कोई सामान्य धरती नहीं है। आज भी यहाँ ठाकुर जी रास रचाते हैं, आज भी भगवत दर्शन यहाँ होता है, आज भी होता है। अब ये बात बड़ी गहरी, बड़ी भावों की बातें हैं। यदि हम आज सामान्य दृष्टि से देखें तो आप कहेंगे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, साइंस के हिसाब से तो आप कहेंगे महाराज जी तो साइंस की कसौटी पर बात नहीं आएंगी, कहें महाराज जी कोई पृथ्वी से दूसरी कोई पृथ्वी आ गई। अब देखो जी, शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों की जितनी बातें लिखी हैं, साइंस ने जहाँ तक अपनी पहुँचाए, जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक तो शास्त्रों की बातें सत्य हैं। शास्त्र जो कहते हैं वो हम कहते हैं। और दूसरे कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंडित जी और पंडितानी जो थीं, उनके कोई संतान नहीं थी, शंकर जी आए उनके पुत्र बन करके, और ये बात सिद्ध हो गई कि जो भगवान की शरण में रहता है भगवान उसे वो देते हैं जो उसके भाग्य में नहीं होता, वो भी ईश्वर देते हैं। बस ये समझाने के लिए हमने एक पंडित जी और पंडितानी की चर्चा आपको सुनाई थी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुखदेव, यहां सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो भगवान की शरण में है उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए और संतोष के धन के संग जीवन जीना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए, बस विश्वास भगवान पर रखा करो। जैसे द्रौपदी ने विश्वास रखा, हमें भी विश्वास रखना चाहिए, भगवान हम सबका कल्याण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो परीक्षित, और सुनो भगवान इतने करुणामय निधान, करुणा निधान है कि वो भगवान सदा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और हमारी प्रार्थना कभी बेकार भगवान जाने नहीं देते।